फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विभाती क्रिएशन। आज हम सीखेंगे एक हैंडबैग बनाना जो बहुत क्यूट है, बहुत ब्यूटीफुल होता है, जिसे हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं, कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं कोई भी चीज़। इसे स्टार्ट करते हैं कैसे बनाना है। इसके लिए 2 फैब्रिक चाहिए, जो इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ मैं। ये है 10 बाय 19 के 2 फैब्रिक चाहिए, और सेम साइज के ये 2 लाइनिंग भी है, जो ये दोनों साइड में लगेंगे 2 लाइनिंग भी है, ये भी 10 बाय 19 के सेम साइज के हैं। और जो इसके साथ हम और 2 फैब्रिक चाहिए, जो मेन है फैब्रिक, ये है 13 बाय 4 इंच के 2 फैब्रिक और हो गए, और इसी सेम साइज के हम 2 लाइनिंग के फैब्रिक भी और लेंगे जो सेम साइज है। ये भी है 13 बाय 4 इंच के, ये 2 दोनों साइज के हैं जो सेम साइज है। ये भी 2 लाइनिंग चाहिए हमें, और जो एक 2 स्ट्रैप्स चाहिए ये हैंगर के लिए। इसकी लेंथ होगी 20 बाय 2 इंचेस के, ये 2 फैब्रिक हैं, ये स्ट्रैप्स चाहिए हैंगर के लिए। और ये जो जिप चाहिए, जिप है 14.5 इंचेस की जिप है, और इसके लिए हमें 2 रनर्स भी चाहिए बैग में लगाने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अब इसे कैसे बनाना है। अब ये एक फैब्रिक लेंगे जो 10 बाय 19 का है ये, और ये जो एक 13 बाय 4 इंच का फैब्रिक है, ये दोनों लेंगे। दोनों को पहले फोल्ड करके इसका सेंटर पे निशान लगा लेंगे। इसको भी ऐसे फोल्ड करके इसके सेंटर में निशान लगा लेंगे। फिर जो सेंटर है, दोनों के सेंटर को एक साथ पिन अप कर देंगे। सेंटर हो गया, फिर इसके बाद दोनों के जो एंड हैं, कॉर्नर्स हैं, इसे भी पिन अप करेंगे। अभी हमने ये तीनों साइड में पिन अप कर लिया है, इसका सेंटर और ये दोनों कॉर्नर में पिन कर लिया है। इसके बाद जो बीच का रह जाएगा उसको भी ऐसे मोड़ देंगे, जो सेंटर का रह जाएगा थोड़ा 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 इसे मोड़ेंगे, थोड़ा इससे मोड़ेंगे। ये इसके बराबर आ गया, ऐसे ही इसे भी करना है। ये सारे पिन अप करने के बाद, ये ऐसे बीच बीच के फोल्ड करने के बाद इसे निकाल लें, सेंटर के जो पहले हमने पिन लगाए थे उसे निकाल लें, और इसे इसके ऊपर ऐसे रख के
ऐसे रख के यहाँ पे एक स्टिचिंग कर लें, सिलाई लगा लें। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे स्टिचिंग कर ली है पूरी। इसे ऐसे सीधा करेंगे और जो यहाँ है इसे ऐसे खींच के रखेंगे और इसके ऊपर ये पूरा एक स्टिच कर लेंगे। ये एक इसका वन साइड रेडी हो गया है। ऐसे आपको ये जो दूसरा फैब्रिक है इसे भी ऐसे ही रेडी करना है, और जो दो लाइनिंग के हैं कपड़े उसे भी, लाइनिंग वाले को भी सेम ऐसे ही रेडी करना है। चारों रेडी करके उसके बाद इसके आगे करेंगे। तो मैंने ये चारों रेडी कर लिए हैं ऐसे, इसके साथ ये जोड़ के टू ये मेन फैब्रिक हो गए, और ये टू जो लाइनिंग वाले फैब्रिक है इसे भी मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हम हैंगर्स बनाएंगे। अभी हैंगर्स बनाएंगे, हमने स्ट्रैप लिया है एक, उसे ऐसे फोल्ड करेंगे इधर से ताकि अंदर चला जाए, और ऊपर से ये ऐसे फोल्ड करके, ऐसे पूरा फोल्ड करके इसका हैंगर बनाएंगे। यहाँ पे एक स्टिचिंग लगाएंगे, दोनों ऐसे ही रेडी करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने दोनों हैंगर्स रेडी कर लिए हैं ऐसे फोल्ड करके। उसके बाद एक फैब्रिक लेंगे ये सीधा साइड करके, और इसके एक कॉर्नर से इस साइड से ये 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे, ऐसे ही दूसरे कॉर्नर पे, दोनों कॉर्नर्स पे 3 इंच पे निशान लगा के ये जो हैंगर है जो निशान लगाया उसके अंदर साइड में इस साइड यहाँ पे, इसे यहाँ पे, और इसे ऐसे रख के, इसे यहाँ पे रख के दोनों में यहाँ से पूरा स्टिच कर लेंगे। हैंगर्स लगा दिए इसमें, उसके बाद जिप लेंगे, जिप को ऐसे रखेंगे, ये उल्टा साइड है इसको ऐसे रखेंगे, और दोनों साइड थोड़ा थोड़ा सा दे देंगे एक्स्ट्रा। पहले इसे रखेंगे, उसके बाद एक लाइनिंग लेंगे जो हमने रेडी किया था, लाइनिंग को भी ऐसे रखेंगे, इसके ऊपर रख के और यहाँ स्टिचिंग कर देंगे। अगर आपसे ये डबल डबल नहीं होता तो पहले जिप लगा लें, उसके बाद ये लाइनिंग रख के लगा लें, दोनों को एक साथ स्टिचिंग करनी है। मैंने स्टिचिंग कर ली है ये जिप और ये जो लाइनिंग का फैब्रिक था वो दोनों, इसे सीधा करेंगे। इसे इसको नीचे करके सब कुछ, उसके बाद इसे ऐसे करके इसके ऊपर ये किनारे पे यहाँ पूरे में स्टिचिंग करेंगे, और सेम ऐसे ही दूसरे साइड के फैब्रिक को भी रेडी कर लेना है हमने जिप लगा के। अब देखिए एक साइड में ये तो जिप और लग गई है, इसके ऊपर स्टिचिंग कर दी मैंने। अब फिर ये जो है मेन फैब्रिक है इसको ऐसे उल्टा रखेंगे जिप के ऊपर, जिप के ऊपर ऐसे रखेंगे, और इसके ऊपर लाइनिंग वाला लेंगे फैब्रिक, इसे भी उल्टा करके इसके साथ रखेंगे, और फिर यहाँ पे स्टिचिंग कर देंगे। देखिए
देखिए फ्रेंड्स, ये जिप में मैंने दोनों साइड जॉइन कर ली हैं, स्टिच कर लिया ऐसे था, इसे सीधा करके फिर यहाँ है, इसको भी ऐसे करके यहाँ पे किनारे में इसके पूरे में स्टिचिंग करेंगे। इसके ऊपर भी स्टिचिंग कर ली है मैंने, फिर इसे जो मेन फैब्रिक है दोनों इसको एक साइड करेंगे ऐसे, और जो लाइनिंग है उसे अलग कर लेंगे नीचे से दोनों। तो अब ये एक बार एक साइड रख के दोनों साइड जो है से थोड़ा थोड़ा इसमें कर्व शेप दे देंगे। ये दोनों साइड कर्व शेप देंगे। ये कर्व शेप देके इसे कट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने मेन जो फैब्रिक है उसे तो काट लिया था, और जो ये लाइनिंग फैब्रिक है उसको भी एक कप शेप देके काट लेंगे। हमने दोनों साइड काट लिया। अब ये जो है यहाँ से ये पूरा राउंड में इस लाइनिंग पे भी पूरे में देनी है स्टिचिंग, और ये जो मेन फैब्रिक है इसमें भी पूरे राउंड में शेप देके पूरे राउंड में स्टिचिंग करना है, और लाइनिंग में थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे हम जिससे कि हम इसे सीधा करेंगे। तो पूरे में स्टिचिंग करके थोड़ा सा छोड़ देना है बस। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पूरे साइडों में चारों साइड स्टिचिंग कर ली है, और जो ये लाइनिंग है इसमें थोड़ा सा गैप छोड़ा था मैंने, यहाँ पे स्टिचिंग नहीं की क्योंकि हमने इसे सीधा करना होगा। तो इसको अंदर हाथ डाल के इसको ऐसे सीधा करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे सीधा कर दिया है, और ये जो थोड़ा छोड़ा था हमने इसे अब ऐसे करके फिर से स्टिचिंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बैग बिल्कुल रेडी हो गया है। इसे मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है, ये बो बना के। इसे आप कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए कितना क्यूट एंड ब्यूटीफुल बैग बना है, इसके अंदर कितना अच्छा है, इसके अंदर इतना सारा स्पेस है, और कहीं पे भी आप कैरी कर सकते हैं इसे। आपको ये मेरा बैग कैसा लगा हैंड बैग आप ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें अगर कुछ पूछना हो तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो साइड में एक बेल आइकन आता है उसे भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। उसके बाद हम किसी और चीज़ में मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ। बाय बाय।